हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप देख रहे होंगे मेरे दोहा कतर से जो व्लॉग्स हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से, और दोहा को जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट प्लेसेस, उसके व्लॉग्स आप देख रहे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो अकोमोडेशन से रिलेटेड है। काफ़ी सारी अकोमोडेशंस यहाँ कतर में बनाई गई हैं फुटबॉल फैंस के लिए। कुछ अकोमोडेशंस ऐसी हैं कि जो परमानेंट है, और कुछ अकोमोडेशंस टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई हैं, बनाई गई हैं, या टेम्प्रेरी जैसे पोटा कैबन्स या टेंट्स वगैरह के अंदर। लेकिन ये जो अकोमोडेशन है ये मोर लाइक हॉस्टल्स, या आप इसको यूथ हॉस्टल्स कह सकते हैं, या जैसे यूनिवर्सिटीज़ के डॉम्स वगैरह होते हैं, ये उससे तकरीबन मिलता जुलता कुछ सिस्टम है। और काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर पूरी ये अकोमोडेशंस बनाई गई हैं, आप ये देख रहे हैं। मैं अभी आपको बैक कैमरा से भी दिखाता हूँ। इस पूरे एरिया को ही उन्होंने फैन जोन में कन्वर्ट किया हुआ है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि दो रोज़ के अंदर बिल्डिंग्स हैं, ये एक सामने आपको नज़र आ रही हैं, और एक बिल्डिंग की जो रो है वो इस साइड के ऊपर है, और दरमियान में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल इस तरह की, और जिम वगैरह बनाया गया है। और इस तरफ आप अगर देखेंगे तो ये मस्जिद है, उसके आगे सुपर मार्केट है, वो भी थोड़ा सा आगे जाके हम देखते हैं। तो इस पूरे रीजन को डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और क्लस्टर्स स्टार्ट होता है ए से लेके जेड तक, लाइक ए बी सी डी इस तरफ, और इस रो के एंड से स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड पे एच, देन आई, फिर जे, फिर ये के आप देख रहे हैं, और इसी तरह एंड पे इस तरफ जेड तक जाता है। तो हर क्लस्टर के अंदर 6 बिल्डिंग्स हैं, और हर बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर्स हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ह्यूज एरिया ये, ऑलमोस्ट ये 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर इसकी लेंथ तो कम से कम होगी। लोग इस तरह से स्कूटीज वगैरह यूज़ करते हैं, ये देखें, यानी मार्केट वगैरह जाने के लिए यहाँ डिफरेंट जगहों पे स्कूटीज़ अवेलेबल हैं, ऐप के थ्रू आप ले सकते हैं जितने टाइम के लिए आपको चाहिए। यानी अगर लोग अकोमोडेशन से निकल के सुपर मार्केट वगैरह आना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत ही एक फिजिबल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप कह सकते हैं। इस तरह बिल्डिंग्स के बिल्कुल सेंटर में आप ये जो देख रहे हैं ये रिसेप्शंस वगैरह बनाए गए हैं, रूम सर्विसेज बनाई गई हैं, और इसी तरह अगर आप पीछे जाएं तो सुपरमार्केट्स और कुछ रेस्टोरेंट्स, कैफेज़ वगैरह पीछे भी आपको नज़र आएंगे। यानी ये जो मैंने आपको मेन रोड से दिखाया था, ये अगर आप उसमें किसी भी स्ट्रीट से अंदर दाखिल हो जाते हैं तो उसमें भी 3-4 रोज पीछे तक जाती हैं हर क्लस्टर की। फुल पार्टी चल रही है जी यहाँ पे, देखें देखें, ये क्लस्टर जे है, और इसके लेफ्ट साइड पे क्लस्टर के है, और इसमें फिर बिल्डिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्डिंग्स है ऑलमोस्ट। इससे जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू है। दो रूम्स इस साइड पे, और इसी तरह दो रूम्स इस साइड के ऊपर, और इसी तरह जब आप ऊपर जाते हैं ये जी रूम की एंट्रेंस, और ये रूम है, दो सिंगल बेड हैं, दो कबर्ड्स हैं, और रूम काफ़ी खुला है, काफ़ी बड़ा रूम है, बट इन दो चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। एसी वगैरह लगा हुआ है, लाइटिंग ठीक है, और कुछ चीज़ें उन्होंने इधर रखी हुई हैं, पानी, चाय, कॉफ़ी वगैरह ठीक है, और इसी तरह ये इंटरनेट भी अवेलेबल है,
है बिल्कुल ब्रांड न्यू है सारा एरिया पूरा, जो जो मैंने आपको दिखाया है वो सारा नया बना हुआ है। इसी तरह ये वॉशरूम है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इसी तरह ये दो रूम्स के साथ इन्होंने एक छोटा सा पेंट्री एरिया दिया है और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक फ्रिज है और इस तरह सिंक का ओवन वगैरह और ये आयरन बोर्ड। ये एरिया चूंकि शेड है तो इसमें इस फ्लोर के ऊपर जितने रूम हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। नाइस है, इसमें भी आप कुकिंग वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह या चाय वगैरह बनानी हो तो वो बना सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है सुपरमार्केट, अलमीरा सुपरमार्केट, और उसके साथ है फैन जोन कह सकते हैं। यहाँ ये बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, कारपेट्स वगैरह लगे हुए हैं, सामने बड़ी स्क्रीन है। लोग जो नहीं जाते स्टेडियम्स वगैरह में मैच देखने नहीं जाते तो वो लोग यहाँ पे मैच देख सकते हैं। मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। और इस वक्त चूँकि मौसम बहुत ही अच्छा है, दिन में धूप है और यूरोपियन स्पेशली जो हैं वो इस धूप को बहुत पसंद करते हैं। यूरोपियंस तो यहाँ ही सन बाथ वगैरह ले रहे हैं, शर्ट्स वगैरह उतार के बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। चलें जी अभी चलते हैं आगे इस तरफ। यहाँ डिफरेंट बस स्टॉप्स भी बने हुए हैं, जिस भी डायरेक्शन में आपने जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो आपको या मेट्रो की तरफ जाना हो तो आप यहाँ से शटल बस ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। जैसे पूरी ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, मेट्रोज़ फ्री हैं, बसेस फ्री हैं, आप कहीं पे भी जाना हो, स्टेडियम जाना हो आपने या किसी जगह पे आप विज़िट करने एज ए टूरिस्ट जाएँ या एक्सप्लोर करने के लिए जाएँ। ये जी सैंड के ऊपर डिफरेंट ये बना रहे हैं, पत्थर का नाम लिख के नीचे आप ये देखें कैमल डेजर्ट और इस तरह की चीज़ें। और अगर आप इसके ऊपर नाम भी आप लिखवाना चाहें तो वो भी लिख के देने। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? और इस पूरी एकोमोडेशन की जो एक सेंट्रल सुपर मार्केट है ये ग्रैंड मॉल के नाम से, इनफैक्ट ये पूरा एक मॉल है, यहाँ हर तरह की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हो सकती हैं वो सारी यहाँ अवेलेबल हैं, कपड़ों से लेके जूतों से लेके ग्रॉसरी आइटम्स एवरीथिंग अवेलेबल है यहाँ पे। देन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कुछ फूड कैबिन्स हैं, आगे भी रेस्टोरेंट्स हैं, लोग यहाँ बैठ के खाना वाना खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। हर दो क्लस्टर्स के दरमियान में एक एरिया इस तरह का मिलता है कैफ़ेज़ वगैरह का। और ये बस स्टॉप है, तीन टोटल यहाँ बस स्टॉप्स बने हुए हैं और तीन डिफरेंट बस लाइन जो हैं यहाँ से चलती हैं। और इसी तरह चलते चलते ये आ गया क्लस्टर M, आगे क्लस्टर N, इस तरफ क्लस्टर U। और जैसे डिफरेंट इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के में डिफरेंट लोग वायरल हुए हैं, जैसे वो मेट्रो दिस वे वाला बंदा था, और ये जब भी हम यहाँ आए ये जो साहब हैं ये इसी तरह इंजॉय कर रहे होते हैं, देखें अपनी ड्यूटी भी कर रहे होते हैं। और नो 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 रेड कार्ड, नो रेड कार्ड, नो रेड कार्ड दिखा दिया इन्होंने जी। उन्होंने कहा आप रोड पे आ रहे हैं तो रेड कार्ड नहीं, रेड कार्ड है आपके लिए, आप रोड पे नहीं आ सकते। बहुत अच्छा लगता है, ये जो अफ्रीकन्स हैं स्पेशली अपने काम को बहुत इंजॉय करते हैं, साथ बड़ी फन और मस्ती भी करते हैं। वाह बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है जी इनकी, हर बंदा इनकी इस तरह वीडियो बना रहा होता है। था जी इस पूरी अकोमोडेशन का एक ओवरव्यू रिव्यू और इस अकोमोडेशन से रिलेटेड व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप ये देख के अंदाज़ा कर पाए होंगे कि कितना मैसिव लेवल के ऊपर ये सिर्फ एक फ़ैन जोन है। इस तरह के बहुत सारे फ़ैन जोन बनाए हुए हैं कैबन्स में, टेंट्स के अंदर, कैरवान्स के अंदर, और डेफिनेटली जो रेगुलर होटल्स, फाइव स्टार होटल्स अकोमोडेशन हैं वो तो हैं ही हैं।
तो उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, और आपके जो कमेंट्स हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी बहुत शोर हो रहा है, इसको इस व्लॉग को फिर इधर ही एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।